अब पेंट की कटिंग हो गई, अब मैं स्टिचिंग करूंगी पेंट की। तो स्टिचिंग करने के लिए पहले मैं फ्रंट साइड का दोनों कपड़े को ले लूंगी और ये दोनों कपड़े को पहले मैं आपस में सीधा रखेंगे और बार की साइड उल्टा। इस तरह मैं दोनों कपड़े को सीधा रखूंगी, फिर यहाँ पे मैं लॉक लगाऊंगी, मतलब सिलाई लगाऊंगी। लॉक लगा के सिलाई लगाने से ऊपर की साइड हमारी सिलाई निकलती नहीं, इसलिए लॉक लगाना जरूरी है। और बीस वाले हिस्से में ये पहले हम सिलाई लगाएंगे, अब दूसरी सिलाई लगाएंगे उसके पर ही। अब हमें फ्रंट साइड में टक्स लेना है, तो इसके लिए पहले मैं एक साइड के कपड़े को फोल्ड करूंगी, उसका 20 वाले हिस्से में मैं टक्स लगाऊंगी। तो टक्स हमारी टक्स आएगी 1/2 इंच ऊपर से, 1/2 इंच और लंबाई ऊपर से 1/2 इंच और लंबाई हमारी 6 इंच रहेगी। और हम क्रॉस में टक्स लगाएंगे, मतलब सिलाई लगाएंगे। सेम दूसरी साइड, इसी तरह फोल्ड करूंगी, फिर बीच में 6 इंच रखकर मार्क करूंगी और फिर क्रॉस में सिलाई लगाऊंगी। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम बैक साइड में सिलाई लगाएंगे, तो बैक साइड में सेम इसी तरह से ही हम सिलाई लगाएंगे। जो हमने फ्रंट साइड लगाया था सेम उसी तरह हम बैक साइड में सिलाई लगाएंगे। वो दोनों कपड़े भी आमने सामने आएंगे सीधा। इसी तरह सिलाई लगाएंगे। अब इसको ओपन कर लेंगे, फिर ये बैक साइड का हिस्सा है उसके ऊपर हम फ्रंट साइड का हिस्सा रखेंगे, वो भी सामने सामने। फिर हमारी जो पेंट में ये साइड वाली सिलाई आती है ना, वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। पहले तो लॉक लगाएंगे फिर सिलाई लगाएंगे, लॉक लगाना तो जरूरी है। हाफ इंच जितना रखकर हम सिलाई लगाएंगे। मैं सिलाई लगाती हूँ, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप इसी तरह नए नए वीडियोस देखना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे Instagram ID है, वहाँ पे आप फॉलो कीजिएगा। सिलाई लग चुकी है। अब हमें जहाँ पे इलास्टिक लगाना है वहाँ पे हम 1/2 इंच से भी कम रखकर सिलाई लगाएंगे पूरे राउंड में। सिलाई लग चुकी है। अब हम इलास्टिक लेंगे, तो मेरी ये जो स्टिचिंग करने आई थी उसकी कमर है 35 इंच, सॉरी 37 इंच है, तो इसमें हम 4 इंच बात करेंगे तो हमारा आएगा 33 इंच। तो मैं 33 इंच इलास्टिक रखूँगी और कट करके पहले तो मैं इलास्टिक को इसी तरह लॉक लगाऊँगी, इसी तरह रखकर लॉक लगाऊंगी, वो भी पक्के वाली। हमें पक्के वाली सिलाई ही लगाना है।
अब पक्के वाली सिलाई लग चुकी है। अब इसी तरह हम देख लेंगे कि इलास्टिक हमारा पूरे राउंड में है। और फिर मैंने जो 2 इंच रखा था इलास्टिक के लिए, वो 2 इंच में इसी तरह इलास्टिक को अंदर रखकर पहले तो लॉक लगाऊंगी, फिर पिंस लगाऊंगी। पिंस लगाने से हमारा इलास्टिक इधर उधर खिंचकता नहीं है। फिर इस तरह मैं सिलाई लगाऊंगी पूरे राउंड में। ये सिलाई लगाने के लिए पहले तो हमें इलास्टिक को खींचकर सिलाई लगाना होता है, और इलास्टिक को खींचकर ही सिलाई लगाना। इलास्टिक लग चुका है, अब हम इस कपड़े को पूरे राउंड में फैला देंगे। ये जो क्रीज है ना, उसको हम फैला देंगे पूरे राउंड में। फिर 20 में इलास्टिक पर सिलाई लगाएंगे, इलास्टिक को खींच कर। सिलाई लग चुकी है, अब हम नीचे की मोहरी मोहरी बनाएंगे। तो मोहरी बनाने के लिए पहले हम 1/2 इंच जितना रख के 1.5 इंच फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे हमारी मोहरी पे। सिलाई लग चुकी है। अब हम 20 वाले हिस्से में फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए पहले मैं मोहरी मोहरी पे 1 इंच जितना रखकर लॉक लगाऊंगी। 1 इंच पर हम फिटिंग करेंगे। बीस वाले हिस्से में हम पक्की वाली सिलाई लगाएंगे। आपको 2 बार लॉक लगाना पड़े तो 2 बार लॉक लगाए, लेकिन ये सिलाई निकलनी नहीं चाहिए बीच में से। कच्ची वाली सिलाई लगाते हैं तो बीच में से सिलाई निकल जाती है, बहुत दिक्कत होता है, इसलिए हमें बीच में पक्की वाली सिलाई ही लगानी है फोर्स, और उसके बाद लॉक लगाएंगे।